हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं लिमिट्स। और ये रिक्वेस्ट हमें भेजा है अजीम खान जी ने। ऑलरेडी टोटल 3 वीडियोस पहले आ चुके हैं, ये हमारा चौथा वीडियो है। और इस वीडियो में जितने बचे हुए क्वेश्चन हम सारे कर देंगे, ये हमारा आखिरी वीडियो है। ठीक है, हमने क्वेश्चन लिख दिया है आपके लिए। इस बार जो एक्स का लिमिट होगा वो 0 और पाई बाय 2, पाई बाय 4, पाई बाय 6 नहीं होगा। इस तरह का कोई न्यूमेरल लेटर होगा, जैसे ए हो गया या कुछ और हो गया। ठीक है, इसलिए हमने वीडियो का टाइप अलग कर दिया है। तो चलिए, करना वही है, एल हॉस्पिटल रूल तो यूज करना ही पड़ेगा इसके अंदर आपको, क्योंकि यहां पर जीरो नहीं है। ठीक है, आप ये मान लीजिए कि जब जीरो ना हो, एक्स की लिमिट में जीरो ना हो, तो आप एल हॉस्पिटल रूल करके ही अपने आंसर को निकालें। हमेशा आसानी से आएगा और जल्दी आ जाएगा। बस कंडीशन याद रखें कि आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होने चाहिए एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले स्टेप पे वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर एक्स में ए पुट किया तो ए माइनस ए जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, मतलब यहां तो वैल्यू नहीं पुट हो सकता, तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो चलिए ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस कॉस ए, कॉन्स्टेंट है, अकेला लिखा है डेरिवेटिव, जीरो होल अपॉन एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस ए, फिर कॉन्स्टेंट है, अकेला लिखा है डेरिवेटिव जीरो। ध्यान रखिएगा यहां पर कॉन्स्टेंट क्या है, इस एक्स को छोड़कर हर चीज कॉन्स्टेंट है आपके लिए। तो कॉन्स्टेंट अगर किसी के साथ आया, किसी के साथ मतलब किसी एक्स वाले टर्म के साथ आया है, तो उसे बाहर कर दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा उसका। और जिसके साथ आया है उसका डेरिवेटिव, और अगर कोई भी कांस्टेंट जो एक्स नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, अगर वो कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है तो डेरिवेटिव डायरेक्ट जीरो लिख दीजिए। अब कितना बचा आपके पास, आपके पास बचा लिमिट एक्सटेंड्स, लिमिट एक्सटेंड्स हुए माइनस साइन एक्स अपॉन वन, अपॉन वन लिखने का जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली पुट कीजिए वैल्यू, तो आंसर इज माइनस ऑफ साइन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिख दिया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। यहां पर भी आपको एक्स लिमिट टेंड्स टू ए दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए दिया हुआ है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि नीचे एक्स की वैल्यू ए डालने पर डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, तो हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना ही पड़ेगा। तो लगाते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन ए, जीरो का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस ए का डेरिवेटिव जीरो। कॉन्स्टेंट क्या है, जिस चीज में x नहीं लगा हुआ हर चीज कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट x के साथ आएगा उसे बाहर कर दिया जाएगा, और जिसके साथ आएगा उसका डेरिवेटिव, और अगर कोई चीज कांस्टेंट है और अकेले लिखा हुआ है, मतलब x के साथ नहीं लिखा हुआ, तो डेरिवेटिव जीरो लिख दीजिएगा सीधा। अब कितना बचा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू a cos x अपॉन वन, अब वन लिखने का जरूरत नहीं, अगले स्टेप पे वैल्यू डाल दीजिए आप, यहां पर आंसर इज cos a। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया है x टेंड्स टू वन। अब देखिए यहां पर 1 माइनस वन तो जीरो हो रहा है, लेकिन देखिए अगर यहां 1 डालेंगे 10 में तो 10 90 हो जाएगा पाई बाय 2, और 10 पाई बाय 2 इनफिनिटी होता है, मतलब इस स्टेप पर तो ये x इक्वल टू 1 नहीं पुट हो सकता, तो आपको पहले इसे साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा अगर आपको इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। तो वो कैसे लगाएंगे, देखिए इसको लिखिए साइन पाई एक्स अपॉन 2 होल अपॉन कॉस पाई एक्स अपॉन 2। अगला स्टेप देखिए मैंने क्या किया, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो वन से करेंगे इनटू, तो ये आएगा साइन पाई एक्स अपॉन टू, और एक बार एक्स से इनटू करेंगे तो माइनस एक्स साइन पाई एक्स अपॉन टू होल अपॉन कॉस पाई एक्स अपॉन टू। अब डिफरेंशिएट किया जा सकता है क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म आ चुका है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव ये होता है कॉस एक्स, अब चेन रूल के हिसाब से एक्स तो लिखा नहीं है, ये तो पाई एक्स अपॉन टू है, तो चेन रूल लगाएंगे तो पाई बाय 2 कांस्टेंट और एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो पहले को छोड़ा साइन पाई एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस पाई एक्स अपॉन 2, और चेन रूल के हिसाब से पाई बाय 2 और आएगा एक, प्लस दूसरे को छोड़ा ये हो गया साइन पाई एक्स अपॉन 2 और एक्स का डेरिवेटिव 1, ये मैंने लगाया चेन रूल, अपॉन नीचे कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 2, और चेन रूल के हिसाब से ये पाई बाय 2 और एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, ये आपको चेन रूल के हिसाब से पाई बाय 2 जो मैं लिख रहा हूं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला स्टेप देखिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद एक्स इक्वल टू 1 इंसर्ट करेंगे, ये आ गया पाई बाय 2 कॉस पाई एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स पाई बाय 2 कॉस पाई एक्स अपॉन 2, फिर ये आ गया माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 2 होल अपॉन माइनस का पाई बाय 2 साइन पाई एक्स अपॉन 2। अब कुछ करना नहीं है, बस एक्स का 1 पुट करना है,
और देखिए उससे हमारा आंसर क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं, वन पुट करते हैं, और जब हम एक्स की जगह वन पुट करेंगे तो लिमिट लिखना छोड़ देंगे। तो पाई बाई टू ये आ गया कॉस, वन पुट कीजिए कॉस पाई बाई टू, फिर वन पुट कीजिए माइनस का, यहां वन रह गया तो ये हो गया पाई बाई टू, और ये हो गया फिर कॉस पाई बाई टू, क्योंकि एक्स रेगा वन आ गया, माइनस साइन, फिर एक्स रेगा वन डालिए तो साइन पाई बाई टू होल अपॉन माइनस का पाई बाई टू, और नीचे फिर की जगह ये आ गया साइन पाई बाई टू। अब अगला स्टेप देखें, देखते हैं तो पाई बाई टू व्हाट इज कॉस 90, कॉस 90 इज जीरो, कॉस 90 इज अगेन जीरो एंड साइन 90 इज वन, नीचे भी साइन 90 वन, तो ये जीरो हो गया कितना बचा माइनस वन अपॉन माइनस का पाई बाई टू, ये टू ऊपर आ गया माइनस का माइनस चला गया, आंसर इज टू अपॉन फाइव। चेक कर लेते हैं, जीरो जीरो माइनस का वन और माइनस का पाई बाई टू, साइन 90 इज अगेन वन और ये माइनस वन अपॉन, बिल्कुल आंसर एकदम करेक्ट। हमारे व्यूअर्स को अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट शेयर लाइक भी कर दें, और आपको अगर किसी तरह का कोई क्वेरी है तो आप अपना क्वेरी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है उस पर सेंड कर सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों में, कलीग्स में, फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और किसी भी तरह का कोई क्वेरी है अगर किसी भी क्लास के लिए मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करेंगे।